सांवेर का एक दलित परिवार अपनी जान बचाने के लिए इंदौर में शरण लिए हुए है। परिवार का कसूर यह है कि उन्होंने अपनी बेटी से बलात्कार करने वाले दबंग के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। जब से एफआईआर दर्ज कराई गई है आरोपी को पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन दबंगों ने उनका गांव में रहना मुश्किल जरूर कर दिया। डरा सहमा सांवेर का ये दलित परिवार है जिसकी बेटी से गांव के दबंग लखन ने बलात्कार किया। लखन ने अपने दोस्त दिनेश की मदद से चाकू की नोक पर लड़की को बंधक बनाया और कई दिन बलात्कार करता रहा। लड़की किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। मुंह बंद कर दिया और चाकू दिखाया, खड़ा दिया, बोले कि मैं चिल्लाने की कोशिश की, चिल्लाना मत, बोले कि जान से मार डालो, चिल्लाया तो। और फिर ऐसे धमकी दे के वो मेरे को घर से बाहर निकाला, ऊपर चढ़ा गया और गाड़ी बिठा के गौतमपुरा ले गया, वहाँ पे चार दिन रखा मेरे को सब। पीड़ित के परिवार ने लखन और दिनेश के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब से रिपोर्ट लिखवाई है पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हाल ये है कि पूरा परिवार सामान समेटे दर दर की ठोकरें खा रहा है। घटने के पास अभी हम दो तीन दिन तो यही हो गए हमको इंदौर में ही, और एक दो रोज हम सारा फुटबॉल पे गुजारा हमने रात। डर लग रहा है, वो धमकी दे रहे हैं, कोई लाठी लाता है, कोई तलवार ला रहा है, तो उनकी गाली गलौज सुन सुन के हम डर धमक के कारण इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। क्या धमका है कि गांव में घुसेंगे तो क्या करेंगे? गांव में घुसेंगे तो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देंगे, कार देंगे, यहां पे रहने नहीं देंगे। मीडिया के जरिए मामला जब आला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे परिवार को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। उस पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया, प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में। देखिए ऐसी स्थिति अभी हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, उसको हम पूरा तरह से प्रोटेक्शन देंगे किसी को। आला अधिकारी भी मानते हैं कि पीड़ित और उसके परिवार के साथ गलत हुआ। लड़की आरोपियों के नाम साफ साफ बता भी रही है, बावजूद इसके दबंग आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार की जान पर बनी है। मनोज खांडेकर, सहारा समय, इंदौर।